I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. अपनों को खोने का दर्द कोई अपना ही समझ सकता है। वायनाड की भयंकर त्रासदी के बीच जिंदगी से जंग लड़ रहे लोगों से मिलने राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे हैं। वायनाड में इस वक्त हरोर तबाही, दर्द और आंसुओं का खौफनाक मंजर है। तबाही के बीच अपनों को खो चुके वो हजारों लोग हैं, जिसमें किसी ने अपनी माँ को खो दिया है, तो किसी ने अपने बच्चे को, तो किसी का पूरा परिवार ये तबाही निकल गया। बसा बसाया आशियाना, बसा बसाया गांव, सपने, परिवार, सब कुछ उजड़ गया। 300 से ऊपर मौतें होने का अनुमान है, सैकड़ों लोग लापता हैं, अभी भी तमाम लोग बारिश और भूस्खलन के बीच फंसे हुए हैं। पूरे के पूरे 2 गांव का नामो निशान मिट चुका है। वायनाड के लोगों का दर्द मिटाया तो नहीं जा सकता, पर इसे कम किया जा सकता है। राहुल और प्रियंका भी बस यही करने उनके बीच पहुंचे। राहुल घटनास्थल पर गए, त्रासदी पीड़ितों से मिले, उनके पास बैठकर उनकी आपबीती सुनी, उनका हाथ थामा, उन्हें गले लगाया। राहुल ने इंसान होने का अपना धर्म निभाया, इंसानियत का कर्तव्य निभाया, वो किया जो इस वक्त हर भारतीय वायनाड के लिए करना चाहता है। पीड़ितों से मिलने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर वो दुख, लहजे में वो दर्द, आंखों में वो नमी साफ दिखाई दे रही थी। वायनाड वासियों का कष्ट देखकर राहुल को अपने पिता की मृत्यु की याद आ गई। हालांकि राहुल ने कहा, यहाँ केवल पिता नहीं बल्कि लोगों ने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया है, इनका दुख बहुत बड़ा है। इंसानियत के नाते हम और आप भी अब बस यही कर सकते हैं कि वायनाड के लिए प्रार्थना करें और जल्द से जल्द वायनाड इस आपदा से उभरे, इससे आगे अब और कोई जान माल का नुकसान ना हो। राहत और बचाव कार्य में लगी सारी एजेंसियां, लोगों का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम होगा। हम सभी की भावनाएं और संवेदनाएं केरल के साथ हैं और इस अपार कष्ट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।